हम नया चैप्टर तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक कि हम पुराने चैप्टर के क्वेश्चंस को ना कर लें, ठीक है ना। चलो जी, तो ऐसे करके है, चलूँ आगे। यस सर। हाँ अब अच्छा सुधर जाओ, कल कह रहे थे कल करेंगे, अब आ गया तो लास्ट में करेंगे। लास्ट में कौन पूछ रहा है लास्ट की क्या गारंटी है, लास्ट में करेंगे। चुप जा करो। प्रारंभ लिमिटेड, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं प्रारंभ लिमिटेड, और देखो तो सही कैसे खिलौने की तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एलएमएस में लिखूंगा मैं आपके एलएमएस में लिखूंगा कि जब भी आप यहां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी। प्रोसेस टू सॉल्व प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन, कैसे दिमाग चलाएंगे। नंबर एक, आप ये देखना क्वेश्चन के अंदर कि वो बात गुड्स की कर रहा है या फिर वो बात सर्विस की कर रहा है। फिर नंबर दो पर देखना कि अगर गुड्स की बात कर रहा है तो सेक्शन 10 की बात कर रहा है वो या फिर सेक्शन 11 की बात कर रहा है। सेक्शन 10 है या फिर सेक्शन नंबर 11। बड़ा आसान लग रहा होगा ना तुम्हें सुनने में ये, कि इसमें भी कोई बात थी सर जी, बता दूंगा। यहाँ पर सेक्शन 12 लग रहा है या सेक्शन 13 लग रहा है, ये आपको देखना है। और ये डिसाइड किया जाता है कि अगर दोनों बागड़ बिल्ले यही हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बागड़ बिल्ला या फिर दोनों ही इंडिया के बाहर हैं तो सेक्शन 13 लगाया जाता है। और तीसरे स्टेज पर आकर आप देखेंगे उसका सब सेक्शन कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। तीन स्टेप को जो फॉलो नहीं करेगा गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, राइट, फटाफट से कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाबू, आप मानो हमारी बात। इंदौर। प्रारंभ लिमिटेड महाराष्ट्र प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू फॉरेन कस्टमर। देखिए सबसे पहला काम सर्विस, हमने सबसे पहला काम कर लिया सर्विस। फटाफट दिमाग चलाना, तेजी से आंसर नहीं देखना आपने, एक दो क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे रखा है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर करके सर्विस टू फॉरेन कस्टमर, ओके। प्रारंभ लिमिटेड जो महाराष्ट्र के हैं वो सर्विस दे रहे हैं फॉरेन कस्टमर को, ठीक है, इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, अच्छा ठीक है जी। द कंपनी आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव वेंडर, रिव्यूज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग एंड देन शेयर द वेंडर डिटेल टू द फॉरेन कस्टमर। एक विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है, प्रारंभ लिमिटेड महाराष्ट्र वाले उसे सपोर्ट दे रहे हैं, उसे इंडिया से, विदेशी को इंडिया से कुछ माल खरीदना है तो यहाँ के वेंडर की पूरी डिटेल और गुड्स की पूरी क्वालिटी चेकिंग वगैरह सब कुछ करके देते हैं। यानी सीन कुछ ऐसा सेट हो रहा है, यहाँ इंडिया का ये बैठा प्रारंभ और यहाँ के जो वेंडर हैं उनकी रिपोर्ट आगे दे रहा है इसको। द कस्टमर देन द कस्टमर डायरेक्टली प्लेसेस परचेज ऑर्डर ऑन द इंडियन वेंडर्स। और फिर ये बंदे क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं क्योंकि इनको पूरी जानकारी प्रारंभ लिमिटेड के द्वारा मिल चुकी थी। फॉर परचेज ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स, प्रारंभ लिमिटेड चार्ज इट्स फॉरन कस्टमर कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इट। जो भी सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देने में जो भी इनकी कॉस्ट आती है उसमें 10% का मार्कअप देकर, मान लो उनकी कॉस्ट 10,000 रुपये आती है तो उसका 10% का मार्कअप देकर ये आगे से चार्ज करते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जून द कंपनी हैज चार्ज्ड $1,87,000 टू इट्स फॉरन कस्टमर। अब बताइए यहाँ पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये निकल के आएगी कि यहाँ पर कि बताइए भाई साहब आप किसकी बात कर रहे हो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स या सर्विस, फटाफट से बोलो। थाने मैंने तुम्हारा केस देखना बाबू, इवन मैंने बोल भी दिया शायद तुम्हारी हमारी बात नहीं हो पाई थी। सर ये केस है सर्विस का, वेरी गुड। अब सर्विस के अंदर अगला स्टेप उठाइए, सेक्शन 12 लगेगा या 13 लगेगा, सेक्शन नंबर यहाँ पे लगेगा सर जी 13 नंबर का लगाया जाएगा, वेरी वेल डन, क्योंकि इसमें जो सप्लायर है वो तो प्रारंभ लिमिटेड है सर्विस का, और जो सर्विस का रेसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है जी। ओके जी, वन ऑफ द पार्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो 13 का कौन सा लगाया जाएगा इसके अंदर, 13 का विच सब सेक्शन शल अप्लाई, ये दो पार्टीज को मिला रहा है बीच में बैठकर।
बेहतरीन जवाब फ्रॉम कोल्हापुर, बहरामपुर और अन्य अन्य सेंटर से। जनकपुरी बच्चा होशियार होता जा रहा है, पहले बहुत वाहियात बात करता था ये, लेकिन अब ये बहुत अच्छा होता जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बच्चा। तो सर 13 का 8 लगेगा बिकॉज ये इंटरमीडियरी है, और इंटरमीडियरी होने के कारण इसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो आएगा सप्लायर की ही लोकेशन, वहाँ पर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका जो ओरिजिन निकल के आ रहा है वो महाराष्ट्र है प्रारंभ लिमिटेड का, और डेस्टिनेशन भी जो निकल के आया 13-8 के मुताबिक वो भी महाराष्ट्र ही निकल के आया। दैट मीन ये सप्लाई आपके इंट्रास्टेट का ही जाएगी और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर GST लगा दिया जाएगा। राइट, यस और नो? यस सर, ठीक है जी। लेकिन साहब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो मुझे बताइए क्वेश्चन किस टाइप का है। मैंने आपको बताया था एक हमारे प्योर थियोरिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक हमारे मिनी केस स्टडी आती है और एक लॉन्ग केस स्टडी आती है। आप इसे कौन सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे? सर इसे हम रखेंगे लॉन्ग केस स्टडी के अंदर रखना चाहेंगे। तो लॉन्ग केस स्टडी के अंदर जब हम बात करेंगे, आपको आंसर तो निकाल लिया ना फाइनल, पहले अपना काम कर लिया ना, अब आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपना आंसर मालिक। सर देखो हम प्रेजेंट करने के लिए, अरे क्या है ये, हमें अपना आंसर प्रेजेंट करने के लिए सर पता है क्या करना होगा? हाँ, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फैक्ट्स एंड इश्यू, फैक्ट्स एंड इश्यू लिखेंगे इसके अंदर हम। फैक्ट्स एंड इश्यू कैसे लिखते हैं फटाफट से बोलो, फैक्ट्स एंड इश्यू कैसे लिखते हैं? सर फैक्ट्स एंड इश्यू लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें समरी लिख दीजिए, यानी कि उसके जो की पॉइंट्स हैं, की वर्डिंग्स हैं, वहीं से देख कर ही आपने शब्दों में आप वहां से लिख दीजिए, यानी क्वेश्चन को फिल्टर कर दीजिए आप जो उलझापन दे रखा है। फिर आप इसके पीछे का लॉ लिख देंगे, यानी कि जो लीगल पोजिशन है वो डाल देंगे। लीगल पोजिशन में क्या आएगा, आपको पता है कि इसका आंसर 13-8 में छुपा हुआ है, तो आप 13-8 के प्रोविजन को यहां पर डिक्टेट कर सकते हैं, वो प्रोविजन बता दीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद में आप अपना यहां पर कंक्लूजन दे दीजिए कि ये रहा हमारा केस और ये रहा ऐसे करके, तो इसका जो ओरिजिन वो यहां आएगा, डेस्टिनेशन यहां पर आएगा। आप चाहें और अगर समय परमिट करे तो अपना आंसर लिंक करके दीजिए, बताना कि सप्लायर यहां पर ये रहा, रेसिपिएंट आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में जो घटना हो रही है इट इज ए सर्विस, क्योंकि यहां पर ABC टेस्ट भी पास हो रहा है, कंसीडरेशन भी, बिजनेस भी, इट इज ऑल्सो ए सप्लाई, एंड सो फार एज द मैटर कंसर्न टू द इंट्रा और इंटर, द ओरिजिन इज दिस एंड डेस्टिनेशन इज दिस, और ऐसे करके यहां पर निकल के आएगा। एग्जम्पशन इसमें कुछ है नहीं, और जहां तक सवाल है कॉम्पिटिशन का, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ये रही और इस पर GST लगा देंगे और बात खत्म। तुम इसका इसी क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास लिंकेज की पावर है। आई होप माई डियर बात समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो, हाँ आप इसको एक पूरा एक फॉर्मल, इस पर आर्टिकल तक लिख सकते हो तुम, कि ये सर्विस भी है, सप्लाई भी है, इंट्रा इंटर का प्रोविजन डाल दिया तुमने, उसके मुताबिक भी आएगा, टैक्सेबल पर्सन कैसे कैसे बनेगा, 20 लाख 10 लाख की बात कर सकते हो, वैसे करके अपना आंसर आ जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके अंदर। आंसर था, ये मिनी केस स्टडी टाइप है, इनमें सिर्फ लॉ लिखिए और अपना आंसर कर दीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन कंटेंड इन IGST एक्ट। क्विक हील इंटरप्राइजेस अहमदनगर गुजरात, अच्छा क्विक हील इंटरप्राइजेस अहमदनगर गुजरात ओपन्स अ न्यू ब्रांच ऑफिस इन हिसार। क्विक हील का ऑफिस खुला है हिसार के अंदर। इट परचेजेस अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम रूहानी बिल्डर हिसार। हिसार के ही एक बंदे से, रूहानी बिल्डर से, इन्होंने अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदी है, अलॉन्ग विद प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर। उसमें जो फर्नीचर था वो भी इन्होंने परचेस कर लिया है, जो पहले से इंस्टॉल्ड था। फर्नीचर फिक्चर्स डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर। मुझे बस इतना बता दो, बात गुड्स की कर रहे हैं या सर्विस की कर रहे हैं, पहले इतना बता दो मुझे प्रोसेस में बाबू, नहीं तो गलती कर सकते हो। सर यहां पर बात कर रहे हैं, देखो हम लोग गुड्स की, गुड्स के अंदर भी सेक्शन लगेगा 10, और सेक्शन 10 लगेगा तो उसके आगे क्या लगेगा, 10 का सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 1 के आगे लगेगा सी, और सी जब लगता है तो वहां बताया जाएगा कि डेस्टिनेशन क्या लिया जाता है, तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो जहां पर गुड्स, चूंकि यहां पर मूवमेंट गुड्स का नहीं है, तो जहां पर गुड्स हैंड ओवर किए गए, यानी कि हिसार हरियाणा, वहीं पर कंसिडर कर दिया जाएगा। तो डेस्टिनेशन आ जाएगा इसका आपका हरियाणा के अंदर। राइट, इसका ओरिजिन कहां से निकल के आएगा बाबू जी? सर इसका जहां तक सवाल है ओरिजिन का, इसका जहां तक सवाल है ओरिजिन का, तो वो निकल के आएगा कहां था, ओरिजिन कहां था इसका,
ओरिजिन भी, डेस्टिनेशन भी सर हिसार हो गया, ओरिजिन कहाँ निकल के आएगा सर? गुजरात, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, सुप्रा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड अवार्ड फंक्शन फॉर चिराग डायमंड्स। किसने? सुप्रा इवेंट्स जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है नई दिल्ली के हैं, इवेंट मैनेजर कहाँ का है? दिल्ली का इवेंट मैनेजर दिल्ली का है। ऑर्गेनाइज किया है अवार्ड फंक्शन फॉर चिराग डायमंड्स मर्चेंट ऑफ बनारस यूपी, इनके लिए। यानी कि जो सप्लायर है वो है दिल्ली का, रेसिपिएंट जो है वो है आपका यूपी का। चिराग डायमंड्स ऑफ बनारस रजिस्टर्ड इन यूपी। और ये आ गई आपके इवेंट की लोकेशन, इवेंट रचा गया है बॉम्बे के अंदर। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय सुप्रा इवेंट्स, दैट्स इट। आगे कुछ और भी पूछ रहा है, विल योर आंसर फटाफट, पहले इतना बता दीजिए इसका आंसर आपका क्या निकल के आएगा। सर पहली बात, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, बाबू 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 मेरी प्रोसेस को जरूर थोड़ा फॉलो कर लेना। मैं जानता हूँ कि आप इतने कैपेबल हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी मुड़ा दें आप, है ना। मैंने तो आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे लेवल करवा रखे हैं, बड़े बड़े केस भी आ जाएं तो भी आप कर दोगे। जिस दिन पेपर बिगड़ा आ गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ा आ गया, तो उस वो भी संभाल लोगे। अभी तो आपके लिए हवा हवाई चीज़ है, लेकिन फिर भी प्रोसेस में चलना। अच्छे बच्चे होते हैं जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम एक सर्विस की बात कर रहे हैं, और सर्विस के अंदर चूंकि दोनों पार्टीज हमारी इंडिया में ही हैं, टीटी में ही हैं, इसलिए सेक्शन नंबर 12 लगाया जाएगा। सेक्शन 12 के अंदर चूंकि इवेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 12 का कौन सा लगेगा? 12 का क्या इवेंट वाला कौन सा था जी? 12 का 6 या 7, 5 में तो वो था ना आपका, सर इवेंट लिंक्ड है बेसिकली, ठीक है। तो 12 का 7 लगा दिया जाएगा। और 12 के साथ में क्या लिखा हुआ है? 12 के साथ में लिखा हुआ है कि जो डेस्टिनेशन होगा दैट विल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, बट अगर ट्रांजैक्शन बी टू बी हुई तो वहां पर फिर रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी। तो चूंकि इस केस के अंदर जो आ रही है निकल के वो बी टू बी पोजिशन है, तो यहां पर ये रेसिपिएंट की लोकेशन यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा। एक होता है आंसर करना और एक होता है कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना। बाबू आप क्या कर रहे हैं बता दीजिएगा मुझे जरा। आगे बात करता है, विल योर आंसर बी डिफरेंट यदि द अवार्ड फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एट मॉरिशस इंस्टेड ऑफ मुंबई। कि आपका आंसर डिफर कर जाएगा अगर ये मॉरिशस में होता अवार्ड फंक्शन, तो क्या करते आप? हाँ एक दो सेंटर गलती कर गए यार, देख ले। इंदौर तो ज्यादा उसमें रहता है भाग दौड़ में, कर गया गलती। अरे यार हैं दो, मतलब जो प्रोसेस जिसने फॉलो नहीं किया वो गलती कर गया। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, मेरा कहना मान लिया करो, कुछ ना करो तो मेरा तो कहना मान लिया करो, गलती ना होती तुमसे, ये गलती ना होती है। कह रहे हैं सेक्शन 13 लगेगा सर, एक दो सेंटर ने गलती की है, बाकी सारे ओके हैं। सेक्शन 13 लगेगा सर, ऐसी की तैसी लगेगा सेक्शन 13। यहां हम अभी भी बात कर रहे हैं, हमने एक ट्विस्ट डाला, तो फिर से आ जाओ प्रोसेस में। ये एक सर्विस है, चेक करो सर्विस है तो सेक्शन 12 या 13 है, चेक करो दोनों पार्टीज कहां की हैं। स्टिल बोथ द पार्टीज सिचुएटेड इन इंडिया इन टीटी, सेक्शन 12 ही लगेगा। मालिक देख लो, बार बार कह रहा हूं वही गलती कर गए यार, फिर देख लो प्रोसेस फॉलो करना है आपने। सेक्शन 12 लगाया जाएगा और 12 का 7 ही लगेगा नो डाउट। और 12-7 के मुताबिक क्या बोलता है कि अगर B2B B2C निकल के आ रही है तो इवेंट की लोकेशन आएगी, B2B निकल के आ रहा है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी। अब वो ये कह रहा है कि भाई साहब आपका जो इवेंट हुआ है वो मॉरिशस के अंदर हुआ है, तो क्या ये बात मेरे ऊपर कुछ फर्क डालती है कि वो मॉरिशस में हुआ है? यस और नो? नहीं डालती, क्योंकि B2B के अंदर इवेंट की लोकेशन की ऐसी की तैसी, इवेंट की लोकेशन की ऐसी की तैसी कहीं भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में और ट्विस्ट डाल सकता था, है ना, ये क्वेश्चन में और ट्विस्ट डाल सकता था। सर फर्स्ट पार्ट में ओरिजिन क्या है? तो यहां ध्यान दे यार, फर्स्ट पार्ट में ओरिजिन, पीछे मत भाग, पीछे नहीं लौट सकता, पता है मैं, यहां ध्यान दे तू। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसे डाल सकता था ये कि मान ले बी टू सी होता, कनेक्शन बी टू सी होता और इवेंट मॉरिशस में हो रहा होता,
अब बता क्या करता। B2C होती ट्रांजैक्शन, यूपी वाला रजिस्टर्ड ना होता और ट्रांजैक्शन मॉरिशस में हो रही होती तो क्या करता, बोलना तो क्या करता। सर फिर पक्का सेक्शन 13 लगा देंगे, ये ना सेंटर जानबूझ के करता है ऐसे काम उल्टे पुल्टे। हांसी को ब्लॉक कर दिया जाए सिंसियरली, ये जानबूझ के अपना नाम आने के लिए ऐसा करता है। सेक्शन 13 कहां से आ जाता, दोनों पार्टी तो वहीं की हैं। मैंने पार्टी कब चेंज करी, मैंने बोथ द पार्टी सिचुएटेड इन इंडिया, जब दोनों पार्टी इंडिया के अंदर हैं, मैंने कब कहा कि वो बाहर है। मैं तो कह रहा हूं इवेंट मॉरिशस में हो रही है, ट्रांजैक्शन B2C हुई है बस आके यहां पे। बताइए अब क्या आंसर आएगा आपका, मुझे फाइनल आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन, सप्लायर दिल्ली का, रेसिपिएंट यूपी का, अनरजिस्टर्ड, इवेंट मॉरिशस, डेस्टिनेशन बता दो। डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब, जितने भी समझदार सेंटर हैं सबके सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास में। सर डेस्टिनेशन अभी भी यूपी रहेगा, वो इसलिए रहेगा सर क्योंकि जो इवेंट हो रही है मॉरिशस के अंदर, तो यहाँ पर यूटर्न मार दिया जाएगा बिकॉज दोनों बागड़ बिल्ले तो यहीं पर हैं, लेकिन फिर भी इवेंट बाहर चली गई है तो उसको यूटर्न मारकर रेसिपिएंट के लोकेशन पर ले आएंगे और वो स्टिल हमारा यूपी निकल के आ जाएगा। ठीक है चलो, तो इतनी हमारी बात यहाँ पर हुई। तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो इसने तो आसान क्वेश्चन दिया ICI ने, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब घुमा लेते क्या दिक्कत है जी। पर मुझे उन सेंटर से बड़ा दुख और अफसोस हुआ जिन्होंने अभी भी यहाँ पर गलत जवाब दिया, सिंसियरली मतलब बहुत दुख हुआ सिंसियरली कि आप गलती कैसे कर सकते हैं यार। या तो आप अपना नाम आने के लिए हाईलाइट करने के लिए गलती कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ में। मेरे दिल में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि मैं अपनी आत्मा लगा देता हूं तुमको सिखाने में कि जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं तो आपसे एक गलती ना हो, और फिर आप ऐसा करते तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है साहब। चलो जी आगे कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये तो आराम से हो जाएंगे, प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन है तो इन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। दीज आर द प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन, प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। मिस्टर महेंद्र गोयल एन इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू हरीश जैन इन रिलेशन टू टू ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जो महेंद्र गोयल हैं वो सप्लायर हैं, जो हरीश जी हैं वो यहाँ पर रेसिपिएंट हैं। ठीक है, जो हरीश जी हैं वो रेसिपिएंट हैं और प्रॉपर्टी जो सर्विसेज है वो इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। डिटरमिन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। दो सिचुएशंस दी गई हैं, 1 और 2। आप हमें बताइए हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्विस की या फिर गुड्स की। सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक सर्विस की। तो कहाँ कहाँ के लोग हैं ये और लोकेशन बता रखी है इनकी यहाँ पर। फर्स्ट केस के अंदर बताते हैं कि जो सप्लायर हैं वो दिल्ली के हैं, रेसिपिएंट मुंबई के हैं और जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पर है। तो पहले केस के अंदर आपका सेक्शन कौन सा लगेगा, चूँकि हम बात तो सर्विस की कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ हमने सर्विस की ही बात करी है पहले केस के अंदर नो डाउट, बट सेक्शन कौन सा लगेगा। चूंकि दोनों पार्टीज इंडिया के अंदर हैं इसलिए यहाँ पर सेक्शन नंबर आपका 12 ही लगाया जाएगा। 12 के अंदर कौन सा लगेगा सब सेक्शन, सर 12 के अंदर 12 के लिए 12 का 3 आता है, वेरी गुड, तो 12 का 3 लगेगा। अब 12 का 3 क्या बोलता है, उसमें लिखा है सर वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एंड द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क USA, तो वो आ जाएगा अपना USA निकाल के रख देगा,
लेकिन हम यहाँ पर एक यू टर्न मार देंगे क्योंकि दोनों पार्टीज इंडिया के अंदर हैं, बट फिर भी वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर फिर एक यू टर्न मारा जाता है। यू टर्न इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले के अंदर भी है और आपका जो यू टर्न है वो इसमें भी है। यू टर्न मार के इसे रेसिपिएंट की लोकेशन पे ला के रख देते हैं, तो फाइनली 12:3 के मुताबिक आपकी यहाँ जो लोकेशन निकल के आएगी वो फाइनली मुंबई यानी कि महाराष्ट्र निकल कर आएगी। ठीक है ना? यस सर। मैं पता है मैं क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से कर सकते हैं, पर मालिक पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे करें, क्योंकि आप में से कुछ आलसी लापरवाह हो सकते हैं या हो सकता है कि टालते टालते इसको आगे तक घसीट कर ले जाएं, इसलिए मैं खुद करवाऊंगा क्वेश्चंस। मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारे साथ में, क्योंकि जितना मेरी क्लास का किताब पढ़ाना और ये क्वेश्चन करवाना दोनों की 50-50 वेटेज है मेरी नज़रों में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हाथ के हाथ तो आप अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई 50% हो रही है। यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। बिल्कुल चैप्टर खत्म होने के साथ दो लेक्चर फालतू लग जाए मुझे परवाह नहीं है, यूट्यूब पे डाल दूंगा दो लेक्चर फालतू लग गए तो क्या हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको। और कृपया करके आप में से कोई मुझे रोकने का या टालने का प्रयास ना करें कि निकल नहीं परसों आज नहीं ऐसे वैसे, प्लीज़ इस बारे में कोई कुछ ना बोले मुझसे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं? सर इसमें भी हम लोग एक सर्विस की ही बात कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है जी। और उसके बाद सेक्शन कौन सा लगेगा, चूंकि यहाँ पर एक पार्टी ये है और एक पार्टी ये है, वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, दैट्स वाई यहाँ पर इस बार सेक्शन नंबर लग जाएगा आपका 13, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना? आई थिंक धीरे धीरे आपको प्रोसेस की अहमियत समझ में आने लग गई होगी कि हाँ अगर हम प्रोसेस में नहीं गए तो शायद हम गलती कर सकते हैं, शायद गलती कर सकते हैं, वो घुमा देगा हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर, इसलिए प्रोसेस में चलना है। 13 के आगे हमारा कौन सा काम करेगा? आई थिंक 13 का आगे इसमें 4 काम करता है ना, 13 का 4 आता है, क्योंकि थर्ड पे तो वो परफॉर्मेंस वाला था, थर्ड पे ना गुड्स और वो इंडिविजुअल वाला था ना, हाँ तो 4 आएगा, 13 का 4 यहाँ पर आपका वो आ जाएगा। और 13-4 के अंदर बोलता है कि जो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आएगी, दैट मीन वो पेरिस आ जाएगी। क्या यहाँ पर कोई किसी प्रकार का यू टर्न था? नहीं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का यू टर्न नहीं है, क्योंकि यू टर्न सिर्फ वहाँ होता है जब दोनों पार्टीज इंडिया में होती हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर रहेगा और ये पेरिस यहाँ पर बना दिया जाएगा। आप चाहो तो ट्रांजैक्शन किसी भी ट्रांजैक्शन की लिंकेज कर सकते हो, वो गुण वो हुनर आपके अंदर है। क्या ये घटना सर्विस है? यस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए सर्विस। ठीक है जी। मतलब डील कर ना, इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेशन इज ए सर्विस। क्या सप्लाई है? यस, इट इज़ एन एक्टिविटी। कंसिडरेशन भी एज्यूम कर लेंगे है और बिजनेस भी है इसका, वो भी है। ओरिजिन जो निकल के आ रहा है उसका वो दिल्ली है, ओरिजिन दिल्ली है इसकी का जो अभी देख रहे थे, ओरिजिन मेरा दिल्ली निकल के आ रहा है, डेस्टिनेशन मेरा पेरिस में है। यहाँ पर हम इसे इंटरस्टेट के रूप में कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे करके हम चाहें तो पूरी की पूरी लिंकेज कर सकते हैं। क्या इसको एक्सपोर्ट भी माना जा सकता है? हालांकि पूछा नहीं है इन्होंने मुझसे कि एक्सपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी डेटा मुझे चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं बताया कि कंसीडरेशन कैसे मिला है। हाँ, कंसीडरेशन अगर फॉरेन करेंसी में मिला है तो निश्चित तौर पर ये मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर भी फॉल कर जाएगी। पहले बताओ ना, मन में विश्वास है ना कि मैं तुम्हें कोई भी टॉपिक दूंगा तुम उस पर लिंकेज कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। बाबू ऐसे आना चाहिए, जीएसटी यू मुट्ठी के अंदर आना चाहिए तुम्हारा। तो मैं कहता हूँ देना सी इंस्टीट्यूट, बिगड़े से बिगड़ा हुआ पेपर देना, तभी तो मेरा बच्चा छटेगा ना, तभी तो छटोगे अलग से। आसान पेपर आएगा तो फिर तो सब बराबर है बिल्कुल। और सुनिए, भविष्य केस स्टडीज का है, लॉन्ग लॉन्ग केस स्टडीज आया करेंगे, ओपन बुक एग्जाम हुआ करेगा भविष्य में के अंदर। सी इंस्टीट्यूट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या हुआ करेगा कि आपके लिए केस स्टडी आ गई पूरी प्रॉपर, जैसे मैं बना के दे सकता हूँ, केस स्टडी पूरा एक केस कि ये कंपनी है, इसका ये पूरा डेटा है, एक्चुअल डेटा कंपनी का आ गया, इसमें ये केस लग गया, कहाँ अपील करे, कहाँ डिमांड करे, कहाँ क्या हो, कितना टैक्स बनेगा, आरसीएम में इतना बनता था, एनसीएम में इतना बनता था, क्रेडिट इतना बनता था, इतना पेमेंट हो गया, इतना नहीं हुआ। मतलब बंदे को पूरा का पूरा लॉ एक साथ उसके माइंड के अंदर होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लिंकेज करते हो। रियल लाइफ के लिए लिंकेज बहुत जरूरी है, और जो केस स्टडीज आएंगी वो रियल लाइफ से उठकर आएंगी कि एक कंपनी में यहां से शुरुआत थी और यहां तक एंड होकर पहुंचा, हर चैप्टर में वो घुमा देगा उस चीज को, वो ऐसे करके आएगा। ठीक है ना? ओपन बुक एग्जाम के अंदर
मैं बताऊं, बुक अगर आपको देखनी पड़ रही तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते आप, क्योंकि आपको वो एग्जाम और टफ हो जाते हैं। आपको पूरी समझ होनी चाहिए, दिमाग के अंदर होना चाहिए कि प्रोविजन देखना कौन सा है, क्या करना है। तो वैसे करके अपने माइंड को फ्रेम करके चलिए। चलो जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे बाबू जी, कहो तो करके देख लेते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज अ रोड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली मुंबई कवरिंग, वो प्रोपोर्शनेट करने की बात कर रहा है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ आ जाइए। मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेजिडेंट ऑफ पुणे, मूर्ति जी कहाँ के हैं, रेजिडेंट ऑफ पुणे हैं। हायर्स द सर्विसेज ऑफ मैसर्स सन लिमिटेड, इनकी सर्विस ले रहे हैं, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ओके, अच्छा, जो पुणे का बंदा है ये रेसिपिएंट है, ये सर्विस ले रहा है, और ये कहाँ की सर्विस ले रहा है, सप्लायर जो है आपका दिल्ली का है, उसकी सर्विस ले रहा है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु, बेंगलोर के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से इवेंट की जो लोकेशन है वो आ रही है आपकी बेंगलुरु के अंदर आ रही है, गलती मत कर देना प्लीज। सबसे पहले पूछ कर रहा है डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सन लिमिटेड, जो सन लिमिटेड है वो कहाँ के हैं, वो तो दिल्ली के हैं, इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है वो तो निश्चित तौर पे दिल्ली ही अपना निकल कर आ रहा है, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक सवाल है डेस्टिनेशन का, तो वो क्या निकल कर आएगा, वो क्या निकल के आएगा सर डेस्टिनेशन का, जहाँ तक सवाल है बताइए ना मालिक, विच सेक्शन शेल अप्लाई। सर यहाँ पर आकर ना हमारा जो सेक्शन है वो लगेगा सेक्शन नंबर, दोनों पार्टी सर सर्विस की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टीज यहीं की हैं, यहीं की, तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा, 12 के अंदर हमारा 7 लगेगा, 7 के अंदर दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली जहाँ पर इवेंट हो रही है, क्योंकि वो क्लू मिल रहा है, छूकर देख सकते हैं, यानी कि बेंगलुरु मेरा आंसर निकल के आएगा। लेकिन चेक कर लीजिए, अगर ट्रांजैक्शन बी टू बी हुई तो फिर रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी। क्या ट्रांजैक्शन बी टू बी है, नहीं, उन्होंने कहा कि जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड था, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर बेंगलुरु ही रहेगा। ओरिजिन दिल्ली है, डेस्टिनेशन बेंगलुरु है, तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर IGST लगा दिया जाएगा, ठीक है जी। व्हाट अगला पूछता है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बैंकॉक, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मेरा प्रोडक्ट बैंकॉक के अंदर लॉन्च हो रहा होता है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बेंगलुरु की जगह बैंकॉक कर दिया है, तो फिर आपका आंसर क्या निकल के आता, इस केस के अंदर आपका डेस्टिनेशन क्या निकल के आता जी। अभी भी सेक्शन नंबर 12 ही लगता, B2C का मामला है, सप्लायर कहाँ का, सप्लायर है मेरा दिल्ली का, रेसिपिएंट कहाँ का, रेसिपिएंट मेरा पुणे का है, और जो बेचारा एक अनरजिस्टर्ड आदमी है पुणे का है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, एंड अनरजिस्टर्ड है पुणे का है, और जो इवेंट हो रही है वो मेरी बैंकॉक के अंदर हो रही है। अब क्या करें साहब, तो यहाँ 12 का 7 मैंने लगा दिया, 12-7 के मुताबिक वो सबसे पहले मुझे लेकर जाएगा कि साहब बैंकॉक यहाँ आपका निकल के आएगा। लेकिन मैं जानता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी इवेंट वाले में दोनों में ये बोलता है कि दोनों बागड़ बिल्ले यही हैं, फिर भी वो एंटिटी में जा रहा है, तो उसे यूटर्न मरवा के ले आएंगे और रेसिपिएंट की लोकेशन यानी कि पुणे पर आकर यहाँ आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा, ठीक है ना। यस सर, हाँ, चीटिंग कर ली यहाँ पर आकर, तो फाइनल आंसर इसमें पुणे आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर, आगे बढ़ जाऊँ ना, थोड़ा स्पीड कराइए ना प्लीज़, रहन दे तू, तो ऐसे कर ले स्पीड, भाग मत। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस ऑफ मिस्टर मूर्ति इज ए रजिस्टर्ड पर्सन एंड प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बेंगलुरु एंड बैंकॉक, इस बार वो दोनों जगह ले रहा है, मतलब क्वेश्चन तो वही है मेरा कि जो मेरा सप्लायर है वो दिल्ली का है, जो रेसिपिएंट का है वो मेरा पुणे का है, और वो पुणे का है जी, और वो अनरजिस्टर्ड बंदा है, एंड जो इवेंट आ रही है वो दो लोकेशंस पे जा रही है, एक TT के अंदर भी और एक मेरी NTT के अंदर भी है। पहले मुझे बताइए सेक्शन कौन सा लगेगा मेरा, गलती मत कर जाना सर, सर्विस है और सर्विस के लिए सेक्शन नंबर, अच्छा बंदा रजिस्टर्ड है क्या, अच्छा रजिस्टर्ड है, इसमें बोला कि वो बंदा रजिस्टर्ड है, इस बार वो रजिस्टर्ड है और इवेंट मेरी दो जगह हो रही है जी, तो यहाँ पे मेरा सर सेक्शन नंबर 12 का 7 लगाया जाएगा,
और 12/7 के अंदर अगर ट्रांजैक्शन B2B होती है तो ऐसी की तैसी इवेंट की लोकेशन की फिर मेरा रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाती है। और वैसे भी सरकार को इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन B2B निकल के आ रही है और रेसिपिएंट की लोकेशन पूना आ रही है, तो भाई साहब इसमें पूना ही मेरा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। कहाँ? अच्छा बताता हूँ, तो ऐसे करके ठीक है ना जी। ओके सर जी, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं प्रभु। और आगे क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है जी। 12 क्वेश्चंस, 12वां हो गया, 13वां थियोरिटिकल क्वेश्चंस है, 14वां भी ऐसा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, और उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, 16वां थियोरिटिकल, ये भी थियोरिटिकल है, कुल्लू मनाली इसका, चलो बता दो। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल्स बाई एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गुरुग्राम का है, और एयर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गिव्स हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस? पहले सुनिए जरा, हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात कर रहे हैं, पहले अपनी प्रोसेस पूरा कर लिया करो, सर्विस की बात कर रहे हैं। सर्विस के अंदर कौन सा सेक्शन लगेगा? सर एंटिटी में, सर टीटी में दोनों पार्टी, एंटिटी का कोई जिक्र नहीं है, सेक्शन नंबर 12 ही लगेगा। सेक्शन नंबर 12 के अंदर कौन सा सब सेक्शन लगेगा? सर ऑब्वियसली बात, उसमें सब 12 के अंदर ना, वो 12 के अंदर आपका 12-13 यहाँ पे लगा दिया जाएगा। यस सर, 12 के 13 लगा दिया जाएगा। और हमें अच्छे से पता है इंश्योरेंस के केस में ऐसी की तैसी, चाहे B2B हो या B2C हो, कुछ भी हो, ऑलवेज रेसिपिएंट की लोकेशन आती है, और बंदे की जो लोकेशन है गुरुग्राम यानी कि हरियाणा, वही अपना निकल के यहाँ पर आ जाएगा। चलो 19वां क्वेश्चन, कितने हैं इसमें, 19-20 क्वेश्चन है, ठीक है जी। 19वां क्वेश्चन, मिस्टर जेट सप्लायर है, आपने मान के चलिए पिछले, मतलब इस बार के तो नहीं लेकिन पिछले तक जितने भी MTP RTP आए ना, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपने सॉल्व कर लिए मान के चले आप। मिस्टर जेड अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना, अच्छा ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली सप्लाई द सेम टू कस्टमर US। हैदराबाद का बंदा है, चाइना से माल उठाता है और सीधा डायरेक्टली चाइना से डायरेक्टली माल वो US कस्टमर को भेज देता है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ GST लॉ एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय जेट टू कस्टमर US इज इंटरस्टेट सप्लाई, यस और नो? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ बैठा बंदा हैदराबाद के अंदर बैठा हुआ है, इधर हैदराबाद में बंदा बैठा हुआ है और चाइना से माल लिया है और सीधा चाइना से सीधा US पहुँचा दिया है। हाँ तो इंट्रा बनेगी या इंट्रा बनेगी, इतना बता दो बस मुझे, सप्लाई इंटर या इंट्रा? एक बार फिर से बताना, इंट्रा या इंटर, योर फाइनल कॉल। अच्छा कौन सा सेक्शन, अच्छा ये गुड्स है कि सर्विस की बात कर रहे हैं? अच्छा गुड्स या सर्विस, सर गुड्स की बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। क्या लगा रहे हो इसके संबंध में, क्या लगा रहे हो? सर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा सेक्शन लगा रहे हैं आप यहाँ पे? सर हम लगा रहे हैं सेक्शन नंबर 10 लगा रहे हैं। अच्छा 11 लगा रहे हो, अच्छा 11 लग रहा है, सेक्शन नंबर सर जी हम यहाँ पे ना
हाँ 11 लगा रहे हैं, और सेक्शन 11 लगा के आप क्या कर रहे हो कि जहाँ भी डेस्टिनेशन है वहाँ मानेंगे। अच्छा, डेस्टिनेशन कहाँ रहा है इसका? यूएस। ओरिजिन कहाँ है इसका? ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन इंडिया है। अच्छा, ये गुड्स इंडिया से गया था क्या यूएस? आपका गुड्स इंडिया से यूएस गया था क्या? गुड्स का डेस्टिनेशन यूएस, नो जीएसटी। अच्छा, वेरी गुड चूरू, बहुत सही जा रहे हो तुम। अब तो मैं ना इतना कूटता तुम मेरे सामने होते ना, इतना कूटता मैं जिसका कोई जवाब नहीं है। एनटीटी टू एनटीटी विदाउट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई ही नहीं है, नॉट ए सप्लाई, ये सप्लाई ही नहीं है आपकी। जब सप्लाई नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ कि ये इंट्रा है या इंटर है, इंट्रा है या इंटर है। भूल गए तुम, बहुत जल्दी भूल गए तुम तो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। कुछ सेंटर जो ये वो ना जो उल्टा जो गलत जवाब देते रहते ना, ये वो सेंटर है चार पांच। बस मैंने आंसर यहां खेला, मैं देखा, मैं देखता हूं क्या निकल के आता है। कुछ कुछ ने तो 7-5 इसका रेफरेंस दे डाला, कुछ ने इसके रेफरेंस दे डाले, पता नहीं क्या क्या रेफरेंस दे डाले। बस वो कुछ नहीं कर रहे इसका मतलब, तुम दिमाग लगा ही नहीं रहे, तुम तो आंसर देख रहे हो तुम तो सीधे सीधे। इसका आंसर ये गलत है, फर्स्ट का आंसर यहां पर गलत था ये, और क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है, नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई, नॉट ए सप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मालिक। 19 ये हो गया जी, नंबर 2 पर आइएगा। आरएसटी इनकॉर्पोरेशन अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेस्ड इन यूएसए, इंटेंट टू लॉन्च इस प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंटेंट टू लॉन्च इस प्रोडक्ट इन इंडिया, अपने प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करना चाहती है। हाउएवर द कंपनी विशेस टू नो द टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडियंस बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया। फॉर दिस पर्पज आरएसटी इनकॉर्पोरेशन हैज अप्रोच्ड एबीसी कंसल्टेंट, ये आ गया आपके सप्लायर, सर्विस देंगे ये इसको, रेसिपियंट वाले को, इसको इसको सर्विस देंगे यहाँ पे ये। तो इसको सर्विस देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये एबीसी ये सप्लायर हो गया आपके। इंटेंट्स टू लॉन्च इस प्रोडक्ट इन इंडिया, हाउएवर द कंपनी विशेस टू नो द टेस्ट एंड सो एंड सो। तो एबीसी कंसल्टेंट मुंबई महाराष्ट्र, इनकी लोकेशन मुंबई है, टू कैरी आउट अ सर्वे इन इंडिया टू इनेबल इट टू मेक चेंजेस इफ एनी। वो कह रहा है कि भाई विदेशी कंपनी है, इंडियंस का टेस्ट जानना चाहती कि यार यार टेस्ट उनको पसंद आएगा भी या नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भारी मात्रा में प्रोडक्शन कर लें और इंडिया में लोगों को टेस्ट ही पसंद ना आए। तो इट मेक्स चेंजेस इफ एनी इन इट्स प्रोडक्ट टू सूट इंडियन टेस्ट। द सर्वे इज टू बी सोलली बेस्ड ऑन द ओरल रिप्लाईज ऑफ द सर्वेज, सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा खिला के कि कैसा लगा आपको, अच्छा गंदा जो भी है। दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी सैंपल बाई आरएसटी इनकॉर्पोरेशन टू टेस्ट, ठीक है। एबीसी कंसल्टेंट्स विल बी पेड इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज, ओके, फॉर द असाइनमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर सेड सप्लाई विल अमाउंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। नंबर 1, सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर है एबीसी महाराष्ट्र का, ठीक है। लिंकेज, रेसिपिएंट कहाँ का है? रेसिपिएंट है यूएसए का, रेसिपिएंट यूएसए का, जिसका नाम है आरएसटी इनकॉर्पोरेशन करके उसका नाम आता है, ठीक है जी। यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ एक सर्विस की चर्चा हो रही है। क्या ये घटना एक सप्लाई है? अगर लिंक करके चल रहे होते तो लास्ट क्वेश्चन में आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता था, नेवर, कभी गलत नहीं हो सकता था माय डियर। मैं हमेशा इतने से इतने क्वेश्चन को मैं लिंक करके देखता हूँ, सर्विस से लिंक करके या गुड से लिंक करके देखता हूँ, ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, फटाफट से लिंक हो जाती है, दिमाग में लिंकेज कर सकते हो। तो सर्विस ये रही और सप्लाई यहाँ पर ये रही आपकी।
इसका जो ओरिजिन है वो क्या निकल के आ रहा है? ओरिजिन जो है वो इसका निकल के आ रहा है साहब, महाराष्ट्र निकल के आ रहा है। और जहाँ तक सवाल है डेस्टिनेशन का, तो मुझे बताएं कि क्या इसके लिए सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 12 लगेगा या 3 लगेगा? बिकॉज वन ऑफ द पार्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे लगाया जाएगा। 13 लग गया जी, लेकिन 13 के अंदर कौन सा लगेगा? क्या कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन है? क्या ये एक इंटरमीडियरी सर्विस है? नहीं, इट्स नॉट एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी क्या होता है? दो लोगों के बीच में वो किसी सप्लाई को जोड़ता है। इट्स नॉट एन एजेंट कैपेसिटी यार, वो दो लोगों के बीच में किसी डील को फाइनल करवाता है। ये डील फाइनल नहीं कर रहा, ये सिंपली वो कह रहा कि उसने सर्वे करने के लिए दिया है तो वैसे करके चलो। तो यहाँ कहीं कोई आपका स्पेसिफिक क्लॉज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम 13 का 2 ही यहाँ पे लगा के चलेंगे। और जिसके अंदर हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ जो रेसिपिएंट है, हम उसी की यहाँ बात करके चलेंगे, जो हमारा यूएसए निकल के आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारी एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बनेगी, पर चूंकि वो एंटिटी के अंदर है इसलिए इस ट्रांजेक्शन पे फाइनली जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आंसर लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, आपका आंसर लिखने की प्रेजेंटेशन एक ये भी हो सकती है। पहला पॉइंट नंबर एक, इन द गिवन क्वेश्चन सप्लायर इज एबीसी लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इन द गिवन क्वेश्चन रेसिपिएंट इज आरस्ट इनकॉर्पोरेशन लोकेटेड इन दिस दिस दिस। इट इज ए सप्लाई, इट इज ऑल्सो क्वालिफाई द कंडीशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओरिजिन एज पर सेक्शन नंबर 2 इज महाराष्ट्र एंड डेस्टिनेशन एज पर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 इज दिस दिस। एंड फाइनली नंबर 6, मतलब हर एक लिंकेज को पॉइंट्स को एक लाइन में लिख दीजिए पॉइंट्स बनाकर जी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है जी उज्जैन, और बात उसमें भी वही लिखी हुई है, उसमें भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही आई है उज्जैन, चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई, तो ये ऐसे बन गया। अब चेक करो क्या ये घटना एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, जरूरी कंडीशंस क्या हैं। सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशन वाला है उसमें सप्लायर की लोकेशन आपकी होनी चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में, रेसिपिएंट की लोकेशन होनी चाहिए एंटिटी के अंदर, है ना। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपका बाहर होना चाहिए एंटिटी के अंदर। मजे की बात कि सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। जो पेमेंट है आपका वो फॉरेन करेंसी के अंदर आना चाहिए, तो क्या कुछ बोला इसके बारे में यहाँ पे? अगर नहीं बोला तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ठीक है यार, पेमेंट फॉरेन करेंसी में आया है। अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो मैं मान लूँगा, तो इसका मतलब सारी की सारी कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं इस कारण से। अच्छा, और ये डीम डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए, और वो है भी नहीं जो बताने रखा उसके बारे में, ये डीम डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, बोला कि फॉरेन करेंसी आ रही तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तब्दील हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र वाला बंदा है इसको आउटपुट साइड में जीएसटी नहीं देना है जी, आउटपुट साइड में जीएसटी नहीं देना। मोर ओवर इसे इनपुट साइड के तमाम प्रकार के बेनिफिट एक्सपोर्ट करने के जो होते हैं, आईटीसी वगैरह का मिलना, ये मिलना, कस्टम्स के अंदर पड़ते हैं इनको कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जिसे सीएस के नाम से जानते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम होती है जो कस्टम्स के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ने को मिलती है। वो उस तरह की स्कीम के लाभ भी इस व्यक्ति को यहाँ पर मिल जाएंगे बिकॉज ये सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट? यस सर, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं प्रभु, ये कंप्लीट क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, 19 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने जा रहे हैं। मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाई नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर। अच्छा जी, फेमस क्लासिकल सिंगर, ठीक है, जरा लिखते चलें अगर कोई दिक्कत ना हो तो। जो मुशायरा है ये कहाँ के हैं? ये एक प्राइवेट लिमिटेड, मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड, लोकेशन क्या थी इनकी? लोकेशन नहीं बता रखी, पंजाब में है सब, ये आगे दे रखा है। तो ये ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं एक हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड जो मुशायरा वाले हैं ये पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं, ये वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो पंजाब वालों को इवेंट की जो लोकेशन है, तो
इवेंट जो करना था वो हरियाणा यानी कि गुड़गांव में करना था, पंजाब वालों को हरियाणा के अंदर इवेंट करना था। तो इसके लिए इन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट, अब देखा जाए तो इवेंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट है सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। तो सुप्रिया को कहा कि भाई सुप्रिया एक काम करो, आप हमारा ये मैनेज करो इवेंट मैनेजमेंट। तो ये इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया, और ये लोकेटेड है कहाँ, दिल्ली में, ठीक है जी। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सैड म्यूजिक कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसीडरेशन ऑफ 10 लाख। तो यहाँ इनको सुप्रिया को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख रुपए। समझदार बच्चे बड़े क्वेश्चन को ऐसे तोड़ लेते हैं, और फिर इसके आधार पर जो रफली हम इसमें से नोट कर रहे हैं ना चीज़ें मेन मेन, इसी के आधार पर समरी बनाकर लिख देते हैं, इसी के आधार पर समरी बना देते हैं। जब फैक्ट्स एंड इश्यू डालते हैं तो इसी के आधार पर समरी भी बना देते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक्स द लोन ऑफ होटल दमदम। सुप्रिया ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए एक होटल के अंदर बुकिंग करी, जो इवेंट होनी थी ना 10 लाख मिलने थे इनको कि भाई इवेंट करवाइए, इन्होंने होटल बुक किया हरियाणा के अंदर, होटल दमदम, होटल दमदम इन्होंने बुक किया है, कहाँ गया दमदम, गुड़गांव, रजिस्टर्ड इन हरियाणा। ऑब्वियस सी बात है ये होटल हरियाणा के अंदर था, वहीं पर रजिस्टर्ड भी था, ठीक है, ओके। कहाँ गया, हाँ, फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर ए लमसम कंसीडरेशन ऑफ 4 लाख रुपये। और होटल 4 लाख रुपये होटल वाला लेगा जी, ठीक है। मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फी टू द म्यूजिक कॉन्सर्ट ₹5,000। 5,000 रुपये की इन्होंने रखी है एक एंट्री टिकट रखी हुई है। तो इस होटल के अंदर जो लोग आएंगे, जहां से असल में रेवेन्यू आना है, कमाई होनी है, तो उसकी जो टिकट रखी हुई है वो 5,000 पर पैसेंजर रखी हुई है। और आई थिंक कह रहा है कि शायद 400 टिकट बिक गए हैं इनके। 400 टिकट्स फॉर द नीतीश दानी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स आर सोल्ड। 400 टिकट बिक गए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन CGST, SGST, IGST लाइबिलिटी एज द केस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज इन्वॉल्व्ड इन द गिवन सिनेरियो। कह रहा भाई साहब यहाँ जितने भी आपकी सप्लाई वगैरह हुई हैं उनके संबंध में आप बताइए क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ मुझे बताओ ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई हैं, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन्स आर देयर। सर हाँ, वेरी गुड, ट्रांजैक्शन हुई यहाँ पे 3। एक ट्रांजैक्शन 1 किस किस के बीच में हुई है, एक हुई है सुप्रिया ने सर्विस दी है मुशायरा को, सप्लायर हैं यहाँ पर सुप्रिया और रेसिपिएंट हैं मुशायरा वाले, ठीक है। इवेंट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो हुई है उसमें जो सप्लायर है वो है होटल वाला, और जो रेसिपिएंट है वो कौन है बताना जरा, रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर है होटल वाला और रेसिपिएंट है सुप्रिया, यहाँ रेसिपिएंट है सुप्रिया। और ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर, ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर बोलो सप्लायर कौन है जिसे आप ट्रांजैक्शन 3 कह रहे हो, टिकट वाली बात ना, हाँ, तो वो टिकट का पैसा किसको जाना है सर, टिकट का पैसा मुशायरा को जाना है, तो सप्लायर है मुशायरा और रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट कौन है इसका, रेसिपिएंट है सर पब्लिक, रेसिपिएंट है यहाँ जो आम जनता है वो उसकी रेसिपिएंट है, वेरी गुड। तो चलो जरा बताइए यहाँ पर आप इसे क्या बोलते हैं, क्या ये घटना एक प्रकार की सर्विस है, यस सर्विस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और सप्लाई भी है, हाँ वो भी है। ओरिजिन क्या है इसका, तो ओरिजिन के लिए हमें सुप्रिया की लोकेशन देखनी पड़ेगी, तो सुप्रिया है दिल्ली से, और डेस्टिनेशन कौन से सेक्शन में आएगा जरा ये बताएं आप हमें। सर इसका जो डेस्टिनेशन है वो निकल के आएगा, चूंकि यहाँ सर्विस जो दी गई है दिस इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बोथ द पार्टीज लोकेटेड इन इंडिया, दैट्स व्हाई सेक्शन नंबर 12 विल बी एप्लीकेबल। एंड 12 के अंदर 7 लगेगा जी, 12 के अंदर भी आपका 7 लगाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 7 के अंदर बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन B2B है या B2C है।
अगर ट्रांजैक्शन B2C हुई तो इवेंट की लोकेशन, और B2B ट्रांजैक्शन हुई तो रेसिपिएंट की लोकेशन। तो ट्रांजैक्शन में जो आपका रेसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो शुरू में ही बोल दिया गया है, ठीक है जी, रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी, और रेसिपिएंट की लोकेशन के मुताबिक ये आपका पंजाब पहुँचेगा। तो पंजाब के होने के नाते यहाँ पर आपका लगा दिया जाएगा IGST लगा दिया जाएगा, राइट। हाँ बोलो मालिक, यस दैट्स ग्रेट। आगे आ जाओ जरा, आगे है यहाँ पर क्या एक सर्विस है, हाँ सर्विस भी है, सप्लाई भी है, सब कुछ भी है। आप इसका ओरिजिन बता दीजिए। ओरिजिन जो है वो आपका यहाँ पर होटल दिखाई दे रहा है, और जहाँ तक सवाल है डेस्टिनेशन का तो वो क्या दिख रहा है। सर सर्विस किस टाइप की है, सर्विस बोलो ना। सेक्शन 12 लगेगा, 12 के अंदर कौन सा लगेगा जी, सेक्शन 12 लगेगा, 12 के अंदर कौन सा, होटल के अंदर लोन लिया है उन्होंने, होटल ने लोन दिया है म्यूज़िक कंसर्ट के लिए, लोन वगैरह दिया है जी होटल ने। सर 12 का 3 लगेगा, दैट्स ग्रेट। इमूवेबल होटल मोटल गेस्ट इन हाउस जो भी था, अकोमोडेशन बैंक्वेट हॉल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ रहे थे, आपको ध्यान होगा। इवन एंसिलरी इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ भी आ रही थी। तो उसके अंदर बात करते हैं, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, राइट। तो वो निकल के आएगा आपका कहाँ पर मालिक, होटल कहाँ था, होटल हरियाणा के अंदर था, तो ओरिजिन भी हरियाणा में ही था हमारा, ओरिजिन भी मेरा हरियाणा के अंदर था, और यहाँ पर भी मेरा ये हरियाणा ही था। तो ट्रांजैक्शन मेरी यहाँ पर आकर बन जाएगी इंट्रा, और इंट्रा ट्रांजैक्शन के चलते हुए मैं यहाँ पर CGST प्लस हरियाणा का GST यहाँ पर चार्ज करके चलेगा। होटल चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा, सुप्रिया से, होटल चार्ज करेगा सुप्रिया से। सर 12-6 क्यों नहीं लगा, नहीं होटल वाले को क्या मतलब है कि तुम उसके अंदर इवेंट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। होटल वाला गिविंग यू अकोमोडेशन सर्विसेज, बैंकेट हॉल की सर्विसेज, उसे क्या मतलब है, तुम शादी कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो, उसे क्या मतलब, उसने आपको किराए पे दे दिया, आप जो मर्जी करो, आप उसमें क्रिकेट खेलो, उसे कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है जी, यस सर। उसके बाद में आगे आ जाइए, हाँ देखो कुछ लेट लतीफ, अच्छा क्वेश्चन बैंक कब मिलेगा, ये क्या है, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये भी क्वेश्चन बैंक है यार, ये भी क्वेश्चन बैंक है, ये भी क्वेश्चन बैंक है। मैं तेरा क्वेश्चन बैंक को इसमें 2-4 क्वेश्चन बढ़ा के दूंगा यार, बढ़ा के दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दे रखी है, क्वेश्चन बढ़ा के दूंगा। अभी जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत था, मैं इसे सही करके दूंगा तुझे, मैं एक दो क्वेश्चन गलती हो जाती है तो मैं इसे सही करके दूंगा, चिंता। हाँ हार्ड कॉपी मिलेगी साहब, मालिक हार्ड कॉपी मिलेगी, आप मेरी समझिए बात को, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, निश्चित मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते कि हार्ड कॉपी जब तक नहीं आएगी मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ जी, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आकर बात करते हैं, और यहाँ पर आकर क्या बोलता है वो। तो अगली वाली सर्विस थी किसकी, अगली वाली सर्विस के अंदर सर्विस का नाम बता दो, चलो पहले सर्विस का नाम बताइए, सर्विस का नाम क्या था ये, व्हाट इज द सर्विस, सर इवेंट एडमिशन वाली सर्विस, दैट्स ग्रेट माय बॉय। इवेंट एडमिशन की सर्विस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और इवेंट एडमिशन के चलते हुए क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर ओरिजिन क्या है, सर ओरिजिन तो वो है जी जहाँ से वो मुशायरा की जो लोकेशन है, यानी कि पंजाब इज़ द ओरिजिन, पंजाब इज़ द ओरिजिन, ठीक बात है, पंजाब इज़ द ओरिजिन। एंड डेस्टिनेशन क्या निकल के आएगा, सर डेस्टिनेशन के अंदर चूंकि ट्रांजेक्शन मेरी B2C जा रही है, ट्रांजेक्शन मेरी B2C जा रही है, तो सर वो आएगी जहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा है हरियाणा। अगर यहाँ पर B2B होती तो क्या करते आप, अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेरी B2B होती तो क्या करते आप, अरे बीकानेर यार, तू थोड़ा ना बुद्धि को खोल अपनी को, तो हमेशा ही गलत होता है, सारे सेंटर ठीक है, तू क्यों गलत करता है यार, सारे ठीक है तू क्यों गलती करता है। मैंने अच्छे से बताया था कि 12-6 के अंदर ये B2C B2B का चक्कर ही नहीं है, वहां पे तो ऑलवेज एक ही बात बोलता है, वहां पे कारण था इसके पीछे, लॉजिक था, हवा में नहीं था, रटवाया नहीं था मैंने तुझे, क्योंकि ये सर्विस का नेचर ऐसा है कि इसका सामने वाली पार्टी को अगर रजिस्टर्ड भी है तो क्रेडिट ना मिलता है, क्रेडिट ना मिलता तो B2B बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए ऑलवेज ये आपका हरियाणा ही रहेगा, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राइट। तो ऐसे करके हमारी बात यहाँ पर मालिक हो गई, 3 तरह की एक्टिविटीज थी और तीनों के बारे में हमने बोल दिया है। एक छोटी चीज आगे बोलिए, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द टिकट का जो प्राइस है वो 450 हो तो क्या होगा। अभी टिकट यहाँ पर 5000 रुपये की थी, अगर वो 450 हो तो क्या होगा। तो ये बात हालांकि अभी पढ़ी नहीं है, अगले चैप्टर में जब आप आएंगे तो गेट नंबर 5 पर आकर वो बोलता है कि अगर इस प्रकार की इवेंट जो होती हैं अगर उसमें टिकट 500 रुपये से भी कम है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो आपकी ट्रांजेक्शन 3 है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि
शायद मैंने बताया भी था एक दिन आपको ऐसी बातों बातों में कि सस्ता मजा 500 रुपये तक की टिकट होती है तो वहाँ तक एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, शायद मैंने बोला था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है हल्का सा, है ना। तो वैसे करके तो क्वेश्चन आई थिंक अच्छा था ना, बढ़िया क्वेश्चन था नो डाउट। तो बाबू देखो ना मेरी बात समझो, अब शायद आपके मन में कॉन्फिडेंस और अच्छा हुआ कि हाँ यार मेरा थ्योरिटिकल चैप्टर खत्म हुआ, समझा भी, और मैं अब उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ ना, उस चैप्टर को साइड में रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है, जहाँ कॉन्फिडेंस लूज हो जाए वहाँ सब